खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस ने LUCC सोसाइटी के नाम पर 92 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 5 आरोपियों को जिले के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार यह गिरोह फर्जी अंतर्राज्यीय सहकारी समिति व कंपनी के नाम पर लोगों से सोना, RD, ब्याज आदि के नाम पर ठगी करता था। शिकायत के आधार पर जनपद पुलिस ने इस फर्जी सोसाइटी के मैनेजर सहित अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। SSP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि ये लोग सोना, RD आदि के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच देकर दूसरे लोगों को फंसाते थे। उन्होंने बताया कि इस कंपनी के खाते से करीब 190 करोड़ का लेन देन भी हुआ है। इसके मद्देनजर धारा 142/24 और 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 5ों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस अन्य आरोपी की भी तलाश कर रही है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। पौड़ी पुलिस के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग एक LUCC जो कि लोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से काम कर रहे थे, और ये लोगों को प्रलोभन देते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे, जिसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए ऑयल फील्ड्स में, रिफाइनरीज में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर लोगों से पैसा लेते थे, जिसका अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन देखा है 92 करोड़ का, उसमें अभी तक जो मैच्योरिटी इनकी पेंडिंग है, देनदारी है पब्लिक के लिए, और लगभग 190 करोड़ की इनकी ट्रांजैक्शन हुई है अकाउंट्स में। और इन 5ों लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग जो है उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहे थे, और आज इनको हम लोग माननीय न्यायालय में पेश करके भेज रहे हैं जुडिशियल रिमांड के लिए। और आगे भी हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भी इसमें गिरफ्तारियाँ होनी है, इन लोगों ने इन पैसे को कहाँ डायरेक्ट किया है उसका मनी ट्रेल भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम जो है अन्य एजेंसी के साथ भी इसका डिटेल शेयर करेंगे।